तो गाइस कैसे हो आप लोग। मैं अनिल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सअप की कुछ ऐसी ट्रिक लेके आया हूं जिसे जानकर आपको मज़ा आ जाएगा और आप कहेंगे वाह यार क्या ट्रिक है। गाइस ये जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, अगर इस ट्रिक को आप अपने व्हाट्सअप में अप्लाई करते हैं तो आपको व्हाट्सअप चलाने का मज़ा आएगा। और गाइस ऐसी ही व्हाट्सअप की खुफिया ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट्सअप की पहली ट्रिक। गाइस आप सबको तो पता ही होगा कि जैसे हम अपने मोबाइल का डेटा यानी इंटरनेट चालू करते हैं तो व्हाट्सएप पे फटाफट मैसेज आना चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा पूरा दिन इंटरनेट ऑन रहे यानी डेटा हम हमेशा ऑन करके रखें और हमें कोई मैसेज भेजे तो वहाँ पे उसको सिंगल टिक ही दिखाए, डबल टिक ना दिखाए और हमारा व्हाट्सएप ऑफलाइन दिखाए। और जब भी हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो सामने वाले के पास अगर पहुँच जाता है तो हमारे व्हाट्सएप में डबल टिक का निशान आता है। इसके लिए गाइस आपको अपने व्हाट्सएप पे टैप करके रखना है। जैसे ही टैप करके रखेंगे ऐप इन्फॉर्मेशन करके एक सेटिंग खुल जाएगा। आपको ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ आपको डाटा यूजर्स डिटेल्स में जाना है और यहाँ डिसेबल मोबाइल डाटा का एक ऑप्शन होगा, इसे आपको कर देना है यहाँ से चालू। जैसे आप डिसेबल मोबाइल डाटा चालू करेंगे अब आप अपना व्हाट्सएप खोलेंगे। जैसे ही आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो यहाँ कीप डिसेबल करके एक ऑप्शन आएगा और दूसरा अलाउ पूछेगा, तो आपको कीप डिसेबल कर देना है। उसके बाद गाइस जब भी आपको कोई मैसेज भेजेगा तो उसके व्हाट्सएप पे सिंगल टिक का ही निशान आएगा, डबल टिक नहीं आएगा। यह सेटिंग करने के बाद आप अपने मोबाइल का डेटा हमेशा चालू रख सकते हैं और व्हाट्सएप पे ऑफलाइन भी रह सकते हैं। गाइस अगर दोबारा से आपको पहले जैसा करना हो तो वापस आपको व्हाट्सएप पे टैप करना है और ऐप सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर वापस से डाटा यूजर सेटिंग्स में जाना है और फिर मोबाइल डेटा को जो आपने चालू किया था उसे आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। उसके बाद बैक कर दीजिए और आपका व्हाट्सएप दोबारा से ऑनलाइन हो जाएगा। अब आइए दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। गाइस जब भी कभी आप अपना व्हाट्सएप खोलते हैं तो व्हाट्सएप में जो भी जिसके भी मैसेजेस आए रहते हैं सब एक साथ में शो करते हैं बारी बारी से। यानी अगर आपके बगल में कोई खड़ा हुआ है या फिर आपके पीछे से कोई आपका मोबाइल देख रहा है तो वो देख सकता है कि आपके व्हाट्सएप पे किसके किसके मैसेजेस आए हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको हाइड कर सकते हैं, यानी आप जिसका चाहें उसी का मैसेजेस शो करेगा व्हाट्सएप में, बाकी का जिसका जिसका भी व्हाट्सएप आया रहेगा वो हाइड रहेगा। इसके लिए आपको जाना है यहाँ ऊपर थ्री डॉट पे और उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में और फिर इसके बाद चैट में। यहाँ पर आप सेकंड नंबर वाला ऑप्शन देख सकते हैं, आर्चिव ऑल चैट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है गाइस और फिर यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ से नीचे बैक कर दीजिए और जब भी आप अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारी चैट हाइड हो जाएगी, यानी किसी का चैट यहाँ पर शो नहीं करेगा चाहे जिसके जो भी मैसेजेस आए हों। अब आपको यहाँ पर जो चैट शो करवाना है उसके लिए आप जब भी व्हाट्सएप खोलेंगे तो यहाँ एक ऊपर छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको मैसेजेस भी दिखाएगा कि कितना मैसेज आया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और जिन लोगों का नाम आप अपने व्हाट्सएप में शो करवाना चाहते हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप थ्री डॉट के बगल में एक एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इसी एरो पे क्लिक करना है और जैसे ही एरो पे क्लिक करेंगे उनका नाम वहाँ से हट के आपके व्हाट्सएप चैट में आ जाएगा। इसको पहले जैसा करने के लिए आपको वापस से थ्री डॉट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, फिर चैट में जाना है और वापस चैट हिस्ट्री में जाके उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं अनआर्चिव ऑल चैट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप इसे ओके कर दीजिए। अब आइए तीसरी ट्रिक की बात करते हैं। गाइस अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से परेशान हो गए हो और आपको कोई भी आलतू फालतू लोग आपको अपने ग्रुप बनाकर उसमें ऐड कर लेते हैं और फिर बाद में आप फिर वापस निकल जाते हो और फिर आपसे पूछे बगैर वापस ऐड कर लेते हैं, यानी इस झंझट से निकलना है कि जब तक आप नहीं चाहो तब तक कोई भी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड ना कर सके। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप में एक सेटिंग कर लेना है। वो सेटिंग करने के बाद कोई भी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। इसके लिए आपको अपने व्हाट्सएप में जाना है, यहाँ ऊपर थ्री डॉट में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, ऊपर अकाउंट में जाना है, प्राइवेसी में जाना है और फिर नीचे आपको एक ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ ग्रुप में जाना है और फिर यहाँ तीसरा नंबर सेलेक्ट करने के बाद जिन लोगों को चाहते हैं कि वही लोग आपको ग्रुप में ऐड कर पाएँ तो उनका नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आपको कोई भी आलतू फालतू वगैरह कोई भी आपको व्हाट्सएप में ऐड अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर पाएगा। अब आइए चौथी ट्रिक की बात करते हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप पे आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ चैट किया हुआ है और आपने जो भी चैट किया हुआ है चाहे वो एक दिन की हो या एक महीने की हो, उस चैट को आप अपने एसडी कार्ड में सेव करके रखना चाहते हैं या फिर उस चैट को आप किसी को भेजना चाहते हैं, उसके लिए गाइस आपको अपने फ्रेंड के चैट में जाना है और ऊपर थ्री डॉट में जाना है और नीचे मोर का ऑप्शन आएगा, इस पर जाना है और फिर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट चैट का एक ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ दो ऑप्शन खुलेगा, विदाउट मीडिया, दूसरा इंक्लूडेड मीडिया, यानी फोटो और वीडियो के साथ में जो चैट्स हुई हैं उन सब के साथ में आप इसे विदाउट मीडिया के अंदर सिर्फ चैट्स आएगी, फोटो और वीडियोस नहीं आएंगी, तो उस पर आप
जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जीमेल अकाउंट सब कुछ है, आप जिसको भी भेजना चाहें यहाँ से भेज सकते हैं। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव ए गुड डे।